हाँ बेटा। अंकल अंकल, क्या मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूँ? कितना टाइम लगाओगे? साहब सिर्फ 5 मिनट। चलो ठीक है, कर दो फिर। साहब साहब, गाड़ी साफ होगी साहब, पैसे। ये तो बहुत कम है। कम कैसे हो गए? साहब गाड़ी साफ करने वाला महीने के 500 रुपए लेता है। आपने 500 रुपए मुझे किस हिसाब से दिए हैं? बहुत सयाना बन रहा है तू, और इतनी जल्दी साहब किताब कर भी लियो तू? हाँ अंकल, मैं बहुत समझदार हूँ, डेली स्कूल जाता हूँ। वो तो मेरे बाबा की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं पहले गाड़ी साफ करता हूँ, बाद में स्कूल जाता हूँ। अच्छा, अगर तू इतना समझदार है ना, तो मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने ठीक जवाब दिए ना, तो मैं तुझे 3000 रुपए दूंगा। अगर तूने गलत जवाब दिया ना, तो मैं तुझसे 500 रुपए भी वापस ले लूंगा। बोलो, मंजूर है? हाँ भाई, मंजूर है। चलो, तुम्हारा पहला सवाल ये है, सर्कल का एरिया बताओ। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, और पाई की वैल्यू? 3.14। वाह, बहुत अच्छे। ये ले। वो ये तो इतने ज्यादा पैसे है, एक सवाल पर 2000। हाँ, और भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुझसे। तो बेटा, पहले मुझे ये बताओ, सपारा पढ़ने जाते हो? जी। चलो इससे रिलेटेड सवाल पूछूंगा, कुरान मजीद में कितने सपारे हैं? अंकल 30। और सूरतें? 114। अरे वाह, तुझे तो सब पता है भाई। चल, इसी सवाल का तीसरा हिस्सा मैं पूछता हूँ तुझसे। अगर तूने वो जवाब उसका दे दिया ना, तो तुझे ट्रिपल गुना पैसे दूंगा। डन है? यस। चल, कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत और आखिरी सूरत का नाम बता। पहली सूरत सूरतुल फातिहा और आखिरी सूरत सूरतुल नास। ये ले। अंकल जी, इतने ज्यादा पैसे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा चलो बेटा, अब तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन। तुम मुझे बताओ 4 सबसे मशहूर आसमानी किताबों के नाम। तुरैत, ज़बूर, अंजील, कुरान मजीद। अरे वाह बेटा। चल, अब तूने मुझे बताना है कि ये आसमानी किताबें किन किन पैगंबरों पर नाजिल हुई। मैं एक एक करके तुझसे पूछूंगा, तूने मुझे बताना है। सबसे पहले तौरात किस नबी पे नाजिल हुई? तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। अब मुझे बताओ, जबूर किस पैगंबर पर नाजिल होगी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। अरे वाह, एक्सीलेंट। और अंजील किस पैगंबर पर नाजिल होगी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। वेरी गुड। चलो बेटा, अब तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? आखिरी किताब कुरान मजीद किस पैगंबर पर नाजिल होगी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अरे वाह। ये ले तुम्हारे पैसे। चल बेटा, मुझे एक सवाल का जवाब दे। और वैसे तो तू ये कंपटीशन सारा जीत चुका है। सवाल ये है, मैं अपने नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम क्या था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। लेकिन अंकल, वो छोटी उम्र में ही वफात पा गए थे। अंकल मैं आपके ना नॉलेज के लिए एक और चीज बताता हूँ, हमारे नबी के ना 3 बेटे थे, अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम। माशाल्लाह बेटा, क्या बात है, तुम तो बहुत ही लाइक पाइक बच्चे हो। अंकल वैसे ये तो बहुत ज्यादा पैसे है, इसे मेरे बाबा का इलाज भी हो जाएगा और हम सब घर वाले से स्कूल का खाना खा सकते हैं। बेटा माशाल्लाह से आप बहुत प्यारे बच्चे हो और बहुत इंटेलिजेंट हो। मुझे एक बात बताओ, आगे पढ़ना चाहते हो? जी अंकल। तो ठीक है बेटा, आइंदा से अब आपने फीस की टेंशन नहीं लेनी, अब आपकी हर महीने स्कूल में फीस भी जमा हुआ करेगी, आपके बाबा की दवाइयों के पैसे भी हो जाया करेंगे, गाड़ी साफ करने की जरूरत नहीं है। दिल लगा कर पढ़ो, खूब मेहनत करो और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करो।
शुक्रिया अंकल, क्या मैं अब जाऊं? जी बेटा बिल्कुल आप जाओ। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को अच्छी तालीम दे, उनका सहारा बने, उनको पैसे देने की बजाय पैसे भी दे, मतलब पैसा देना गलत चीज है, उनको आप पैसे भी दे रहे। हमारे नबी का फरमान है कि मांगने वाले को दो, उसको पैसे भी दो, लेकिन उसका सिस्टम ऐसा चला दो कि उसको मजीद मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको दूसरे लोगों तक लाजमी पहुंचाइएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की सोच बदल जाए। शुक्रिया।